बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, संकल्प पत्र, सीधा तस्वीर आप वहीं से देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से देख रहे हैं, जहां इस वक्त आपको केंद्रीय मंत्री मंच पर दिख रहे हैं, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, तमाम बड़े नेता इस वक्त संकल्प पत्र के लोकार्पण पर मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही खोलेंगे अपना चुनावी पिटारा। आखिर क्या होगा इस बार घोषणा पत्र में बीजेपी के, सभी की नज़र, पूरे देश की नज़र, सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र इसी घोषणा पत्र पर लगी हुई है और कुछ ही देर में घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी ने इसे नाम दिया है संकल्प पत्र और कई मायनों में ये घोषणा पत्र अहम रहेगा। इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, कई अहम चुनावी घोषणाएं उसमें राहुल गांधी ने की थी, कांग्रेस की तरफ से की गई थी और कहीं ना कहीं उन चुनावी घोषणाओं का जवाब इस संकल्प पत्र यानी बीजेपी के इस घोषणा पत्र में मिल सकता है। ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार बीजेपी कार्यालय पर बने हुए हैं। ललित, फिलहाल क्या खबर मिल रही है, कब तक जारी हो सकता है, किस तरह की हलचल वहां आपको देखने को मिल रही है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनके साथ जो है उनका स्वागत अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह ने किया था जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब प्रधानमंत्री और अमित शाह का ही इंतजार हो रहा है। बाकी लगभग सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जैसे ही प्रधानमंत्री भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे उसके बाद ये जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा औपचारिक तौर पर और संकल्प पत्र का भी अनावरण कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और यहाँ कहीं ना कहीं अपने 5 साल की उपलब्धियां किस तरह की रही है, क्योंकि कोई भी चुनावी जनसभा हो ललित, वहां पर मोदी उन उपलब्धियों को गिनाना नहीं भूलते हैं, चाहे उनका कोई और बड़ा नेता हो जिनकी जनसभाएं इस वक्त हर जगह पर हर राज्य में देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है उन उपलब्धियों का ब्यौरा वो जगह इस संकल्प पत्र में भी मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए संकल्प पत्र में उन सभी विषयों को जगह मिलने की उम्मीद है जिन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपनी बात कहती रही है और विशेष तौर पर जो है संकल्प पत्र में इस बार माना जा रहा है कि किसान जो है वो फोकस एजेंडे पर हो सकते हैं क्योंकि किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था और आंदोलनों का सामना करना पड़ा था। तो ये पूजा विशेष तौर पर माना जा रहा है और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कुछ खास ऐलान कर सकती है। बिल्कुल, क्या लगता है ललित, राष्ट्रवाद से राम मंदिर, ये पूरा जो सफर है इसको लेके किस तरह की जो बातें हैं कही जा सकती है घोषणा पत्र में? देखिए राष्ट्रवाद को लेकर पार्टी कह चुकी है कि राष्ट्रवाद उसके लिए एक अहम मुद्दा है और राष्ट्रीयता उसके लिए एक अहम मुद्दा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अब राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की ब्लॉग हमने देखा था कि आडवाणी जी का भी सामने आया था, उसके बाद अब पार्टी इस विषय को लेकर क्या कुछ चीजें कहती है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि नागरिकता संशोधन को लेकर भी पार्टी की राय इसमें आना काफी जरूरी है। तो अब देखना ये होगा किन किन विषयों को लेकर पार्टी अपनी बात रखती है आज और क्या एजेंडा रखती, क्योंकि खासतौर पर सबसे दिलचस्प ये है कि कांग्रेस का जिस तरह से मैनिफेस्टो आया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने इस मैनिफेस्टो में क्या ऐसा करती है जिससे कि वो वोटरों को अपनी तरफ लुभा सके, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने लायक। बिल्कुल, और साथ ही ललित एक बात और यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ही एक देश एक चुनाव की बात छेड़ी थी, क्या लगता है कि इस घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं इसका जिक्र भी होगा? देखिए इस विषय को लेकर जो सरकार की पहल थी उसके बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से कदम उठाया था लेकिन उस पहल को इतना समर्थन नहीं मिल पाया। तो ऐसे में
अब पार्टी इसे घोषणा पत्र में, क्योंकि ये केवल एक सरकार के हाथ का काम नहीं है, इसमें उसे सभी दलों का सहयोग मिलना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए फिर संविधान संशोधन करना होगा और कई सारी चीजों को बदलना होगा। तो अब देखना ये होगा कि पार्टी क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि इस विषय को वैसे घोषणा पत्र में जगह बना पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी इस विषय को भी शामिल करे और उसमें अपने प्रयास को आगे बढ़ाने की बात कहें। और ललित, अगर बात करें राम मंदिर विवाद की, उसको लेकर क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए पूजा, राम मंदिर को लेकर पार्टी हम देख रहे हैं लगातार, जब भी कोर्ट में चल रहा हो या फिर दूसरी चीजें हैं, उनमें पार्टी का स्टैंड हमेशा यही रहा है कि जो राम मंदिर का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हल हो उसके बाद ही पार्टी उसको आगे कानूनी दायरे में, पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि कानूनी दायरे में ही राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। तो अब अदालत का फैसला आना बाकी है जिसमें की सुनवाई चल रही है और अप्रैल में ही उसकी सुनवाई भी लगी हुई है। तो देखना ये होगा कि राम मंदिर को लेकर पार्टी क्या स्टैंड रखती है अपने सामने, क्या कुछ उसमें बदलाव आता है या फिर पुरानी चीज निकल कर सामने आती है। ललित, अभी आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता वहां इस वक्त मौजूद हैं, उनके जेस्चर से क्या लग रहा है इस घोषणा पत्र को लेकर? वो कितने आश्वस्त दिख रहे हैं या कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है, क्या लग रहा है उनके हाव भाव से? देखिए, संकल्प पत्र को लेकर जो है एक सभी के अंदर एक निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से एक के बाद एक योजनाएं चलती हैं, उसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करना बेहद जरूरी लग रहा है जिससे कि वो अपने वोटरों तक सीधा संदेश पहुंचा पाए। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में जो है संकल्प पत्र यहाँ पर जारी होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और अब कार्यक्रम जो है औपचारिक तौर पर शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर पर तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री खुद इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और फिर जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें आप बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से देख रहे हैं और बता दें आपको इस वक्त सुगबुगाहट पूरी तरह से यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तो तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो तमाम सदस्य हैं इस वक्त मंच पर। प्रधानमंत्री, हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुष्प के द्वारा स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के बाद मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे उत्साही कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि शांति बनाए रखें। कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है, अभी थोड़े शांत हो जाए पीछे, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी को कहूंगा कि मंच पर आए। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का स्वागत करें। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, मैं अनिल जैन जी, सरोज पांडे जी, हर्षवर्धन जी, उसी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी से भी आग्रह करूंगा। डॉक्टर अनिल जैन जी आए और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। डॉक्टर अनिल जैन जी, पार्टी के हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के विदेश मंत्री सम्मान्य सुषमा जी का स्वागत करें।
श्री सरोज पांडे जी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा वे भी मंच पर आए, और श्री अरुण जेटली जी जो भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका स्वागत करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का स्वागत करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, हमारी पार्टी के मीडिया विभाग के जो हमारे प्रमुख हैं श्री अनिल बलूनी जी, मैं उनसे कहूंगा अनिल बलूनी जी मंच पर आए और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय रामलाल जी का स्वागत करें। श्री अनिल बलूनी जी, आज के इस संकल्प पत्र के जनता को अर्पित करने के इस कार्यक्रम में मीडिया के जो सभी हमारे मित्र आए हैं उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं, और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और ये जो संकल्प पत्र एक बहुत जनभागीदारी की प्रक्रिया से तैयार करा है इसकी प्रस्तावना के विषय में अपना विषय रखें। माननीय अमित शाह जी, मित्रों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। मंच पर उपस्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृहमंत्री और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, श्रीमान रामलाल जी, भाई भूपेंद्र यादव जी, और आज यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाइयों और बहनों, आज कुछ ही क्षण के बाद श्रीमान राजनाथ सिंह जी 2019 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं आज आपको 2014 की याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर लोगों के सामने आई थी। उस वक्त हम एक संकल्प पत्र और भारतीय जनता पार्टी का देश 14 से 19 किस तरह से चलेगा इसका विजन लेकर हम आपके सामने आए थे, और 2014 में हमारी बात का सम्मान रखते हुए इस महान देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। देश में 30 साल के बाद पहली बार अस्थिरता के दौर को खत्म करते हुए एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनाई और एनडीए ने की सरकार ने अपना कामकाज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा, ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को साच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास
मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गैस के सिलेंडर, घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजों को, बुनियादी जरूरियतों को लोगों तक पहुंचाने में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका बारीकी से संवेदना के साथ ध्यान रखते हुए हर गरीब के पास ये सुविधाएं पहुंचे इसका प्रयास किया है और ये सफल प्रयास है। आज देश के अधिकांश घरों में बिजली पहुंच चुकी है, 8 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंच चुके हैं, 2.5 करोड़ लोगों को घर का अलॉटमेंट हो चुका है, 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को संभालने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर हम आगे बढ़े हैं, 12 करोड़ किसानों को इनपुट सपोर्ट देने की वैज्ञानिक व्यवस्था, सीधे इसके मोबाइल पर 6,000 रुपया ट्रांसफर हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। देश की अर्थव्यवस्था में भी कंसीडर करना पड़े, दुनिया भर के अर्थ जगत के पंडितों को कंसीडर करना पड़े, इस तरह का सुधार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आंकड़े 4 कॉर्नर्स के अंदर है और बहुत अच्छे तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी, आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ढेर सारे कदम भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो इस देश के अंदर विगत 30 सालों से आतंक फैलाकर दूर से देखकर आनंद लेते थे, आतंकवाद का मूल जहां पर है वो मूल पर घा करने की नीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई और इसके कारण आज 125 करोड़ का यह देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न केवल देश, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, भारत को कोई हल्के से नहीं ले सकता, ये संदेश भेजने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है। दुनिया में देश का गौरव आज आसमान को छू रहा है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत कोई मैटर नहीं करता था। 2004 से 2014 10 साल के कालखंड में भारत का गौरव दुनिया के अंदर धीरे 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 नीचे जाता था। ये 5 साल के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण मसला हो, देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, देश के प्रधानमंत्री का रुख क्या है, भारत सरकार का मंतव्य क्या है, इसके मायने पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर बहुत बदले हुए नजर आते हैं। मैं मानता हूं इस बात के साथ देश के 125 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं और हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक भी घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार इसका आरोप भी न लगे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चली है। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, स्कैम, एक के बाद एक स्कैम की सीरीज के बाद जो सरकार बनी, इसने प्रामाणिक सरकार कैसी हो सकती है, एक पारदर्शी सरकार कैसी हो सकती है, उसका उदाहरण देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, आज देश दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। भारत दुनिया में एक महाशक्ति के नाते अपनी पहचान को कायम कर, हर भारतीय कोई दिन का इंतजार था। 70 साल हो गए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के फैसलों में हमारी कोई भूमिका नहीं होती थी। आज भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। मैं मानता हूं आने वाले दिनों के अंदर ये बात और आगे बढ़ने वाली है। मैं 5 साल के अंदर
इस सरकार ने कई कदम उठाए, सबका जिक्र करना नहीं चाहता क्योंकि आज का विषय हम आगे क्या करेंगे, परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं मित्रों, जिन लोगों को भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्टडी है उनको मालूम होगा काम करना कितना कठिन होता है, और खास करके फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री के अंदर। इसी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहां कोई सरकार 30 साल काम करे तो 4-5 बड़े फैसले ले सकती है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। मैं मानता हूं कि 5 साल हमारे भारत के विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे। 2014 के जनादेश का अगर एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो 2014 का जनादेश कांग्रेस से, जो कांग्रेस का शासन, यूपीए का शासन, कांग्रेस के साथियों का शासन, सो कॉल्ड गठबंधन वालों का जो शासन था, वो शासन से जो निराशा जन्मी थी, वो निराशा ने नरेंद्र मोदी में एक आशा देखी थी और ये आशा को जनादेश में जनता ने परिवर्तित किया था। और 2014 से 2019 तक ये जो यात्रा चली है, देश का जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी है। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है, अब काफी कुछ अच्छा हुआ है। लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूं 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है, और मैं बड़ा विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही सक्षम है 125 करोड़ देश की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, विशेषकर देश के युवाओं की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए, उनकी अपेक्षा का भारत बनाने के लिए। लोगों को अपेक्षा है देश का टॉप 5 इकोनॉमी में आ सकता है, देश के गरीबों को अपेक्षा जगी है कि हमें गैस मिल गया, घर मिल गया, बिजली मिल गई, शौचालय मिल गया, स्वास्थ्य की योजनाएं मिल गई, अब आगे पर भी हमारा जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है क्या। किसानों को आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा है, देश आतंकवाद से केवल मुक्त न हो, आतंकवादी देश के ओर देखने की हिम्मत न करे, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने की जनता को अपेक्षा है। कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान की अपेक्षा है, और देश दुनिया में महाशक्ति बनकर अपना स्थान हमेशा के लिए सुनिश्चित करे, इसकी भी अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र जो आने वाला है, इस सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज बनकर, एक डॉक्यूमेंट बनकर लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। मोदी जी ने देश के सामने आजादी के जब 75 साल समाप्त होंगे 2022 में, तब देश कैसा हो, इसका एक विजन रखा है, और वो विजन के हिसाब से 2022 में हम 75 साल के समय 75 संकल्प लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं कि 2022 में ये 75 संकल्पों को पूरा कर जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाता होगा, इतनी समस्या से संपूर्ण रूप से देश को मुक्त करने का वचन लेकर, संकल्प लेकर हम लोगों के सामने जाने वाले हैं। सबसे बड़ी मोदी सरकार की सिद्धि है, हमने सोचने का स्केल बदला है। पहले योजनाएं बनती थी, 1000 घर बना देंगे, 1,00,000 टॉयलेट बना देंगे, अब हरेक को घर देंगे, हरेक को टॉयलेट देंगे, हरेक को गैस देंगे, हरेक को बिजली देंगे, हरेक के स्वास्थ्य की सुविधा करेंगे। देश का सोचने का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जिसकी देश की जनता राह दे। आज ये संकल्प पत्र की घोषणा हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी करने वाले हैं। कई सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर, अलग अलग क्षेत्र के तज्ञों के साथ चर्चा कर, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर और भारत के तो से कुछ ही देर में बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर देगी।